भाई ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था। साढ़े दस तो अभी हम जाने वाले हैं राइड के लिए उस पहाड़ पे। तो अभी यहाँ पापा है, तो यहाँ दो है डबल राइड जाएंगे। नाउ ऑल सेट, नाउ वी आर लिविंग फॉर लाबा। बाय बाय। तो अभी ये लोग निकल चुके हैं, तो हम भी निकलेंगे इनके साथ साथ, देखेंगे। बाफ रे बाफ। पूरा लद्दाख वाला फीलिंग दे रहा है ये रोड तो। बाप रे बाप, दौड़ लाइक चलन भा। स्टार्टिंग ही पूरा जबरदस्त था। तो अभी रोड से चलते हैं, ये रोड नीचे जाके दो रोड में बट जाता है, तो एक रिनॉक होके हम सिक्किम एंटर कर सकते हैं और दूसरा हम दूसरे पहाड़ जा सकते हैं। तो हम वो रूट लेने वाले हैं, तो देखेंगे क्या होता है। अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोड अच्छा ही होगा। तो यहाँ का रोड ही ऐसा है, तो सब मतलब पैर रख के बैलेंस करके जा रहे हैं। तो यहाँ का रोड का कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं है, पहले से तो बेहतर है। तो बाइक का वेट है 192 kg, उसके बाद फिर पापा का वेट है अराउंड 85, फिर उसके बाद मैं 90। तो किल मिला के हो रहा है अप्रोक्स 400 के आसपास आ रहा है। तो बाइक को कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है, रोड भी उतना अच्छा नहीं है, बहुत स्टीफ है ना, तो सिकरन थोड़ा सा संभाल के चला रहे हैं। नहीं तो यहाँ से हम राइट जाएंगे तो सिक्किम में एंटर करेंगे, पर हम लेफ्ट जा रहे हैं, उस पहाड़ पे जाना है जिसको बोलते हैं कोलाखाम। तो अभी इस जगह का नाम है लिंगसेखा। तो यहाँ पे भी जल्दी से अभी डेवलपमेंट हो रहा है, घर बन रहा है, रोड वगैरह भी पहले से बेहतर हो रहा है, और यहाँ एक मार्केट भी नया नया खुला है, उसको बांगे बाज़ार बोलते हैं। तो नया नया मार्केट खुला है ये 2-3 साल में, बहुत यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो यहाँ से अभी हम रिवर क्रॉसिंग करने वाले हैं, लेकिन अभी ब्रिज है यहाँ पर, तो इस रिवर का नाम है राबोंग रिवर। तो यही नीचे जाके रेसी के साथ मिलता है, उसके बाद रोराथांग में फिर रंपू रिवर के साथ मिलता है, उसके बाद फिर अल्टीमेटली टिस्टा के साथ मिलता है। तो ये बढ़िया सा ब्रिज है। अभी हम दूसरे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा स्टीफ है। कुल मिला के 400 kg है, तो चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा थोड़ा सा डर है बाइक, देखेंगे, होप फॉर द बेस्ट। मजा ले पकड़ी दस बाबा, मजा ले पकड़ी ल मलाई। अभी हम दूसरा रूट पकड़ लिया हमने, लेकिन अभी लग रहा है कि पहले से अभी काफी
बदतर हो चुका है रोड, तो कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है अभी। थोड़ा बाइक में प्रॉब्लम हो गया अभी, अभी इसका प्रॉब्लम पता तो नहीं, लेकिन बहुत हीट अप हो गया है, परफॉर्मेंस इसने बहुत बढ़िया दिया। तो अभी योगेश कुछ किलोमीटर कवर करके फिर बैक आया है अभी लेने के लिए, देखेंगे इसको थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे फिर उसके बाद चलाएंगे। अभी इसको कूल डाउन करने के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो अभी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो योगेश मेरे पीछे। तो इस तरह का राइड में हमें मतलब वेट करते करते चलना है, किसी को भी मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है राइड के टाइम में, ऐसे हड़बड़ी में आगे अकेले चले जाएंगे तो पीछे छूट जाएगा। काफ़ी किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अभी गाड़ी एक मिला है, वो भी 800, तो यहाँ पे उतना गाड़ी ही नहीं चलता है, तो यहाँ का जो भी गाड़ी चलता है वो सर्विस गाड़ी होता है, मॉर्निंग में यहाँ से निकलता है फिर इवनिंग को आता है। बस संभल के चलना पड़ेगा, पूरा ऑफ रोडिंग है। तो पापा को पीछे बिठाया है, तो बाइक का वेट 200 kg, तो हम तीन मिला के लगभग 400 kg ऐसे ही होगा, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलाना है अभी। तो वो लोग तो यहाँ पहुँच गए अभी, लेकिन वेट करना चाहिए था, वेट नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है पर भी। लेकिन यहाँ पे हम लोग वाटर क्रॉसिंग करते थे पहले, तो अभी ये सब है। ब्रदर हाउ इज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा? कैसा रहा? माइंड ब्लोइंग। नहीं ऐसे मैं ऐसे देख रहा हूँ पीछे से, ऐसे उछल रहे। तो अभी हमने 40% कवर कर लिया है, अभी 60% बाकी है, इसके लिए थोड़ा सा सबर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा कूल डाउन करना पड़ेगा तभी चल पाएगा, नहीं तो अभी हीटअप होके पिकअप नहीं दे रही, तो अभी शायद ठीक होगा। कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया अभी? छाके लावा के लिए 50%, या 40? ऑलमोस्ट 50%। तो अभी बाकी जल्दी जल्दी कवर करना है, क्योंकि बारिश भी हो सकता है, अभी रेनी सीजन है, तो मुझे दिखाई दे रहा है अभी बूंदे आ रही, टपक रही है। तो अभी हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, हमारा मंजिल है छांगे फॉल्स, उसके बाद हम जाएंगे, यस 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 यस, तो उसके बाद हम जाएंगे लावा, बछरा भी है बछरा। तो बापरे बाप, बापरे बाप, बापरे बाप। तो एक रीज़न क्या हो सकता है कि ये रोड ख़राब क्यों हुआ, क्योंकि जो मैंने मार्केट बोला था वहाँ पे मतलब वीक में 2-3 बार गाड़ी आता है लावा से, तो पूरा ट्रक तो नहीं लेकिन बड़ा बड़ा लोड लेके आता है, तो वही एक कारण हो सकता है कि ये रोड का कंडीशन ऐसे हुआ, तो दूसरा तो कोई रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एक दो साल पहले आए थे तो ये सब नहीं था, तो भी ये सब है। छांगे फॉल्स दिखाई दे रहा है अभी, तो अभी पहुंचने में तो लग ही जाएगा 4-5 किलोमीटर, लेकिन एकदम बढ़िया है, लेकिन थोड़ा रास्ता अच्छा नहीं है, रास्ता पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब फर्स्ट क्लास, नेचर व्यू और जो भी यहाँ का सीनिक ब्यूटी नेचर जो भी है वो फर्स्ट क्लास है, यहाँ का लोग। तो यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो फॉल्स है इसका ही नाम है छांगे फॉल्स। तो ये फॉल्स का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूँ, तो ये बड़ा वाला फॉल्स ऊपर से आता है, प्लेन रास्ता तय करता है, फिर उसके बाद एक होल में गड्ढे में जाके फिर दूसरा फॉल्स वहां से निकलता है, तो यहाँ से हम देख नहीं पाएंगे दूसरा वाला फॉल्स, नीचे वाला फॉल्स देख नहीं पाएंगे, लेकिन उस पार से मतलब वो डबल फॉल्स ऐसे दिखेगा, एक नीचे आएगा फिर दूसरा नीचे। रेनकोट डाल दिया सपने। तो सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, किसी का शूज का प्रॉब्लम है, किसी का बाइक का प्रॉब्लम है, सबका अपना अपना प्रॉब्लम है। तो मेरा बाइक का प्रॉब्लम था, अभी शूज का कोई भी इश्यूज नहीं है, तो इन लोगों का शूज साथ नहीं दे रहा है, स्लिप कर रहा है, पर हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं अभी तक, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी समर का टाइम है और फिर पानी यहाँ से जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो एल्गी फॉर्म तो होगा ही होगा, लेकिन हमारे शूज़ में उतना ग्रिप है कि हम यहाँ पे चल सकते हैं, तो आते वक्त तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा।
ये रास्ता तो डिफिकल्ट, आप लोग देख सकते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं। तो इस तरह का शॉर्टकट से जाएंगे तो थोड़ा सेफ होगा, क्योंकि स्लिप उतना होने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि पत्थर वाला शॉर्टकट भी है और इस तरह का पत्थर में थोड़ा सा स्लिपरी ज्यादा होता है ना। तो अभी इस तरह का रोड से जाएंगे तो स्लिप होने का चांसेस कम है, तो इसी रास्ते से जाएंगे। कंट्रोल करके उतरना है, जितना अपना बॉडी के साथ आप लोग मतलब बैलेंस कर सकते हैं उतना ही बढ़िया है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आएंगे तो देखिए ना सीधा नीचे खाई में। तो पापा तो अकेले चल पड़े आगे आगे, इतना कॉन्फिडेंट देखो इनका, बढ़िया चल रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं स्लिप हो ना जाऊं। पापा बहुत एक्साइटेड है, तो अभी वो अकेले अकेले चल रहे हैं, आगे आगे चल रहेगी, फॉल्स देखना चाहते हैं। देखिए देखिए कौस्ता सा एक्सपेक्ट करके आया था, उससे कई गुना ज़्यादा हो चुका है पानी का वॉल्यूम। अभी समर है तो पानी का वॉल्यूम डबल ट्रिपल हो चुका है, इतना फोर्स इतना ज़्यादा है, इसका करंट इतना ज़्यादा है कि मतलब पूरा पत्थर को चीर दिया अभी इसको। तो हम लोग देख सकते हैं जितना भी ये बारिश जैसा नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये बारिश एक्चुअल में नहीं है, जो पानी नीचे जाकर वो ड्रॉपलेट की तरह आ रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा फोर्स है भाई। भाई ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा, इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाप रे बाप। क्या फोर्स है यार। सब दिख जाए, बारिश ऐसा हो रहा है लेकिन बारिश एक्चुअल में नहीं है। यहाँ का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, एक फॉल्स इधर से आता है, तो ऐसे पानी यहाँ से गुजरता है, फिर आप देख सकते हैं इसका करंट का इतना, इसका फोर्स का अंदाज लगा सकते हैं, कितना बढ़िया कट कर दिया, देखो पूरा पैराबोलिक शेप में ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये पूरा गड्ढा में जाता है, फिर उसके बाद दूसरा फॉल्स निकलता है। उस पार से अगर देखेंगे तो ये दो फॉल्स है, लेकिन अभी हम लोगों को एक ही फॉल्स दिखाई देता है यहाँ से, ये मतलब काफ़ी बड़ा है। तो ऑल आर बिजी टेकिंग फोटोग्राफ्स। इतना भी करके ऐसे तैसे करके अभी ऊपर जा रहे हैं तो अच्छा होगा। यहाँ भी है, यहाँ से चलिए ना, यहाँ से आइए। हाँ, दोनों मतलब एक साथ चलिए, थोड़ा सपोर्ट होगा एक दूसरे का। इस साइड जो मट्टी दिख रहा है ना आपको, वहाँ से वहाँ से, हाँ आराम से आराम से। तो अभी जैसे भी तैसे करके हम ऊपर आ रहे हैं, नीचे जाने में कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अभी रेनकोट सब लगा लिया, तो जब हम आए थे तो सिर्फ 3 बाइक था, अभी बाइक भी बढ़ चुका है, देख सकते हैं। सिर्फ हमारा ये हिमालयन वो रहा पल्सर और बुलेट, ये 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 चारों बाइक बढ़ चुका है। तो अभी सब सेट हो चुका है, तो हम लोग चल दिए छांगे से, अभी लावा की ओर जा रहे हैं, देखेंगे रास्ता कैसा है। पहले तो ठीक था, अभी कैसा है वो देखना पड़ेगा। बाइकर्स का यहाँ पे झुंड लग गया अभी। तो ये रहा ब्रिज, जो नीचे का जो फॉल्स है यहीं से जाता है, यहीं का पानी वो फॉल्स होकर जाता है। पानी तो एक्चुअल में इतना ही है, यही है पानी बाबा। तो गाड़ी को क्या हो गया अभी। इस जगह को बोलते हैं कोलाखाम, सब होम स्टेज वगैरह है, काफी बढ़िया जगह है। तो अभी हमने कोलाखाम क्रॉस कर दिया है, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से लावा यहाँ से 12 किलोमीटर है, तो जल्दी कवर हो जाएगा।
अभी लावा पहुंचने वाले हैं। लावा पहुंचने में अभी सिर्फ 1 किलोमीटर ऐसा ही है। तो 3 बाइक यहाँ पे पार्क कर दिया, तो अभी हम लंच करने के लिए रुके हैं यहाँ पे छोटी जगह में, हम लोग लंच करेंगे अभी, तो उसके बाद फिर लावा। तो बाइकर्स तो हमारा लंच यहाँ पे है, तो अभी योगेश सर्व करने वाला है सबके लिए। सबके लिए तो क्या, हम 3 ही है सिर्फ, और बाकी सब क्या था इंडिविजुअल है। रोटी, ये तो हेल्दी, ये तो हेल्दी खाना खाता है। अंडा, फिर वहाँ पे अमित का भी खुद का है, तो हम तीनों का डिफरेंट है। तो ठीक है, खा के मिलते हैं फिर। तो अभी हमने लंच कर लिया, अभी तो लंच खत्म कर लिया। अभी लंच खत्म करने के बाद बाइक लेके हम लावा जाएंगे, तो वहाँ जगह कॉफ़ी चाय कुछ भी मिलेगा तो वो खाएंगे, फिर बैक टू होम। तो बाइक यहाँ पे पार्क कर लिया अभी, तो लावा पहुँच गए, हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं। लावा में आप लोग देख सकते हैं बाइकर्स किस तरह से आए हैं, पूरा वेदर चिल है। सबका कॉफी आ गया, अभी हम भी चुस्की लेते हैं। कॉफी का चुस्की लो, सोड़का दिखाओ दिखाओ। अरे तो अभी धूप भी आ रहा है, बादल को चीर के धूप भी आ रहा है, और कॉफी भी ले लिया तो थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ अभी। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, बाइक वहाँ पार्क कर दिया। अभी वो वाला आप दिखा सकते हैं, वो मोनास्ट्री है, यहाँ का इम्पोर्टेंट मोनास्ट्री है, तो टूरिस्ट वगैरह का साइट सीन करने का जगह भी है ये। तो जो ये व्यू दिख रहा है आपको, ये हमारे गांव है एक्चुअल में, वहाँ से एग्जैक्ट यही लोकेशन दिखता है, जो एक माउंटेन के ऊपर ये जो मोनास्ट्री वगैरह DSLR से लेंगे तो यही एग्जैक्ट यही व्यू उधर से मिलता है। तो ये रहा, बढ़िया नजर आया, लेकिन क्लाउड के कारण थोड़ा दिख नहीं रहा है। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग।